बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम धनी अक्षरातीत प्राण प्रियतम प्राणवल्लभ एवं मंच पर उपस्थित विद्वतगण तथा धाम धनी के लाडले हो प्यारे सुंदर साथ जी, सबके चरणों में प्रणाम जी। आज हम सात जी शोभा देखिए कुर्बानी के बारे में बताने जाऊंगा। मैं आज सात जी शोभा देखिए करे कुर्बानी आत्म। महामती जी कहती है कि हे सुंदर साथ जी, ये राज्य की अंग अंग की शोभा देखिए, इसमें कितने सौंदर्यता भरी है, कितना प्रेम भरा है, कितना प्रकाश भरा है। उनकी शोभा को देकर करे कुर्बानी आत्म, कुर्बान हो जाए उनको, कि जिस तरह प्रेमी और प्रेमिका होती है, अपने प्रेमिक पर प्रेमिका पूरी तरह फिदा हो जाती है और प्रेमी प्रेमिका पर फिदा हो जाते हैं। ऐसी कई दुनिया में घटनाएं भी घटती है कि एक दूसरे को इतना प्रेम करते हैं, एक दूसरे से शादी नहीं कराते तो वो मरने के लिए तैयार हो जाते हैं। ऐसे गुजरात में कई घटनाएं घटती है कि कई ऐसे पेड़ पर फांसी लगा के मर गए। ये दुनिया के जीव इतने कुर्बान हो रहे अपने धनी पर, अपने प्रेमी और प्रेमिका पर। हम तो हमारे आशी मासूक है जो अखंड परम धाम के हमारे धनी है, तो भी हम कितना हमारे धनी पर कुर्बान हो रहे हैं। जो दुनिया के जीव इतना आगे बढ़ रहे हैं, उनके फानी दुनिया के झूठे में इतना कुर्बान होते हैं, तो हम कितना कुर्बान होते हैं। वह देखो लीला और मजनू, एक बार क्या हुआ, जब लीला की शादी की जा रही थी, तब लीला और मजनू एक दूसरे को इतना प्यार करते थे। तो एक बार लीला की शादी की जा रही थी तो उनके पिता ने यही शर्त रखी थी कि जो भी लीला से शादी करेगा वो इस गर्म तवे पर चलेगा तब उनके साथ शादी की जाएगी। बल्कि जैसे कई राजकुमार आए, बल्कि उनके अस्वीकार किया, किसी ने स्वीकार नहीं किया। वो राजकुमार कहते हैं कि ऐसी तेरी जैसी महारानियां बहुत मिल जाएगी, बल्कि हम शादी नहीं करेंगे। तब जो मजनू था वो उनके प्रेम में इतना फिदा था कि उन्होंने नहीं गर्म तवा देखा, नहीं आग देखी, चल के वो लीला के पास चला गया। जो इसके प्रेम में फिदा था लीला के, वही तो दुनिया के जीव इतने फिदे हो रहे। हम हमारे धनी पर कितना फिदा हो रहे। हम तो वाणी भी पढ़ते हैं, श्रृंगार ग्रंथ पढ़ते हैं, तो भी हमारे दिल में ही भाव आता है, कभी नहीं आता। इसीलिए कुरान में क्या लिखा है कि लिखा है फुरमान में करसी कुर्बानी मोमिन। इसीलिए कुरान में पहले से ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मधाम की ब्रह्म सृष्टि आएगी, इस संसार में आकर अपने धाम धनी पर सर्वस्व कुर्बान कर देगी। जैसे देखिए लालदास जी, देखिए 99 जहाज के मालिक थे तो भी इन्होंने जरा सा भी समर्पित होने में संकोच नहीं किया। इन्होंने उन्हें नहीं, इतने 99 जहाज के मालिक होने के कारण तो भी इन्होंने नहीं संकोच किया, न इतने नहीं मोह माया में फंसे, अपने धनी पर वो भी समर्पित हो गए, क्योंकि जान लिया था कि जो इस संसार को संचालन करने वाला है कौन है। वो संसार में खुद प्रियतम ही था, हमारा धनी ही था, जो हम इस संसार में आकर हम ब्रह्म सृष्टि ये खेल दिखा रहे, इन्होंने पहले से ही जान लिया था। इसलिए अपने धनी पर वो समर्पित हो गए। जैसे मुकुंदा जी को देखिए, वो भी अभी अभी उनकी शादी हुई थी तो अपनी पत्नी को त्याग कर श्री जी के शरणों में समर्पित हो गए। और ये 12 मोमिनों जो औरंगजेब के दरबार में जाते हैं, वो भी इतनी मार खाने के बाद भी अपने धनी को नहीं, इतना श्रद्धा था वो नहीं छोड़ा, प्रेम था वो नहीं छोड़ा, समर्पित ही रहे। इतनी मार खाने के बावजूद उन्होंने ये नहीं कहा कि श्री जी कि आप हमारे किसे श्री जी है जो हमको औरंगजेब के पास जाकर इतनी मार खानी पड़ रही है, क्योंकि वो औरंगजेब की सकुमार की आत्म थी, इसलिए कि वो हमारी परमधाम की आत्म है। हम मरेंगे तो भी इन राज्य के लिए कुर्बान हो जाएंगे, क्योंकि ऐसी ऐसी ब्रह्म सृष्टि के लिए कुरान में लिखा हुआ है। तो हम अपने आप को ब्रह्म सृष्टि तो कहते हैं, बल्कि हम कितना अपने धनी पर कुर्बान हैं,
अपने आप में यह देख के विचार करना दे कि चाहे इले 1100 साल का सो आए पोसिया दिन, कि जो 1100 साल हो जाएगा इसके बाद वो ही दिन आ जाएगा आखिरी दिन जो कुर्बान होने का, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा आ जाएंगे, आखरुल इमाम मोहम्मद मेहदी साहेब जमा आ जाएंगे, विजय अभिनंद बुद्ध निष्कलंक अवतार आ जाएंगे। वही अवसर हमको मिला है, नहीं कि जो ऐसे कई हिमालय की कंदराओं में ध्यान करने वाले कई सत्यवादी हो गए, उनको ये वाणी नहीं मिली, वो हमको वाणी मिली है, तो हम कुर्बान होने में क्यों संकोच करते हैं? इसलिए हमें ये जानना चाहिए कि हमारे धनी पर दुनिया के जीव इतने कुर्बान हो रहे तो हम क्यों नहीं हो रहे? क्या देखिए, ये देश के वीरों को देखिए, जैसे कि बंदा वैरागी ने, उन्होंने धर्म के लिए बदला जा रहा था, उनको मुसलमान बनने के लिए किया कहा जा रहा था, बल्कि बंदा वैरागी ने टुकड़े टुकड़े हो गए तो भी इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। यही तो कुर्बानी है, क्या है? तेग बहादुर सिंह को देखिए, उनको भी टुकड़ा करके टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, और उनके साथ दयालदास था, उनके गरम तेल में डाल दिया गया, और दयाल मतीदास था, उनके रूई में लपेट के जला दिया गया औरंगजेब ने, और सतीदास था, उनको आरे से काट दिया गया, तो भी इन्होंने अपना धर्म नहीं बदला। वही तो कुर्बानी, और क्या है? इसलिए हम कितने कुर्बान है अपने धनी पर, यह दुनिया के जीव इतने कुर्बान हो रहे है। इसलिए कहा है महामती जी ने कि देखिया में विचार के हम सिर किया फर्ज, हमने जागने का फर्ज हमारे सिर पर दे रखा है राज जी ने, बहुत बड़ा। और इसलिए महामती ने विचार के देख लिया है कि कितना फर्ज हम निभा रहे इस संसार में, जो जागने का है, जो हमने परमधाम में वादा किया था कि तू भूल जाए तो मैं जगाऊंगा, मैं भूल जाऊं तो तू जगाना। हम तो सेवा के लिए भी भागते हैं। क्या देखिए, ये सुंदर शाह जी जो आते हैं बाहर से इतने दूर दूर से, क्या उस दिन पहले दिन में स्वामी जी ने बोला कि सेवा के लिए जो करना है वो नाम लिखवा दीजिए? ऐसे कम से कम थोड़े बहुत ही सुंदर साथ आए होंगे जो सेवा में नाम लिखवाया, बल्कि किसी ने नहीं। यहाँ तो लाभ दिया जा रहा था, सेवा के लिए भी हमको लाभ होता है, वाणी सरसा के लिए भी लाभ ही हो रहा था। हम सेवा के लिए भी पीछे हट रहे हैं तो कैसे हमारा संप्रदाय आगे बढ़ेगा? देखिये राधा स्वामी में देखिए, इन्होंने एक बार हमारे वहां राधा स्वामी जी के उनके संप्रदाय में मैं गया था, स्कूल में पढ़ता था, तब मेरे दोस्तों मुझे ले गए वहां। तो वहां इतनी सुविधा थी कि जो हमारे चप्पल होते वो भी उठा के देती है हमको हाथ में, जो लाइन से बैठा जाता है और इतने प्रेम भाव से महीने से एक महीने से पहले से वो बुकिंग कर देते हैं कि हमारी सेवा इस दिन रहेगी करके। स्वामीनारायण में देखिए, अनेक ऐसे संप्रदायों में देखिए, हमारा संप्रदाय तो परम धाम का ज्ञान बोलते हैं अखंड, और हमारा तो परम धाम का ज्ञान है जो सारी दुनिया को अखंड करने का वादा कर रखा है हमने बोलते, तो क्या हम इसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसलिए इतना फर्ज हमारे है कि जन जन तक देश देश में ये वाणी को फैलाने का काम किया। उन ब्रह्म सृष्टियों को देखिए, नवतनपुरी से लेकर पन्ना जी जाने तक कितने कष्ट हुए होंगे, क्या मालूम कितने भूखे रहे होंगे, प्यासे रहे होंगे, पहाड़ों में सोना पड़ा होगा, वो भी पैदल। आज तो हमारे पास साधन है जाने के लिए, इसे क्या हम कर पाएंगे इसे जाग नहीं उनकी? इसीलिए तो हम इनके नक्शे कदम पर जो नहीं चल पा रहे, जो उन ब्रह्म सृष्टियों के ऐसे कई परमहंस हो गए हैं जो अपने जीवन को इस निजानंद संप्रदाय में समर्पित पूरा कर दिया, तब जाके इतना तो बढ़ चुका है। ऐसे नहीं हो सकता, क्योंकि हमको राज्य को समर्पित होना होगा, दिल देना होगा राज्य को, तब जाके हम हमारे संप्रदाय को आगे बढ़ा पाएंगे, अन्यथा नहीं। क्योंकि दूसरे संप्रदाय को देखो, वो तो परम धाम का ज्ञान भी नहीं है, वो भी इतना आर्य समाज को देखिए, इतनी आश्रमें खोल गई विदेश में, यहाँ हमारा संप्रदाय अभी तक तो विदेश में कुछ भी नहीं होगा, किसे होगा?
भले उनका निराकार का ज्ञान है पहले से आया हुआ है तो क्या करें, बल्कि हमारा तो परम धाम का ज्ञान है ना, इसीलिए हमको कुर्बान होना पड़ेगा। इतना तो नहीं कि ऐसा नहीं कि कुर्बान होना कि घर घर बैठे भी हम जाग नहीं कर सकते, ऐसा नहीं। यहाँ के इतने साहित्य है तो साहित्यों को ले जाके भी हम दुनिया को बता सकते हैं कि जन जन तक हम पहुँचा सकते हैं। इसीलिए हम राज्य को दिल दे और राज्य को कुर्बान हो। और इन शब्दों के साथ मैं मेरी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।